स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। लगातार मिल रही इनपुट के चलते पठानकोट रेलवे पुलिस की ओर से एसपी के नेतृत्व में चलाया गया पठानकोट कैंट स्टेशन में सर्च अभियान। आतंकियों द्वारा पठानकोट एयर बस पर हुए हमले के बाद आए दिन कोई न कोई इनपुट किसी भी जगह को उड़ाने में मिलती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही पठानकोट स्टेशन को उड़ाने की धमकी भरा पत्र भड़ोली स्टेशन मास्टर को मिली थी, जिसको लेकर रेलवे पुलिस की ओर से रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी के तहत आज पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें हर एक शख्स की तलाशी ली गई ताकि कोई भी शरारती अंसार किसी तरह की किसी वारदात को अंजाम ना दे सके और लोगों में भी पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे। इस बारे में बात करते हुए एसपी रेलवे ने कहा कि पिछले लंबे समय से मिल रहे इनपुट के चलते पठानकोट रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया ताकि किसी तरह की कोई शरारती अंसार किसी वारदात को अंजाम ना दे सके। थ्रेट्स चलते पे ने ड्यू टू अमरनाथ यात्रा ते खबरां भी लग रही ने ते टीवी ते भी आ रहे हैं। जो पंजाब के कई इलाकों है भी कोई अटैक कर सकते ने, जिहड़ियां पाकिस्तान जथेबंदियां कश्मीर दे विच काम कर दियां ने उन्हां नूं थ्रैट है, ते असीं उन्हां मद्देनजर रखते हुए चैकिंग जिहड़ी है ट्रेन भी साडी चलती रहिंदी है, 24 घंटे चैकिंग चलती है, ट्रैक की भी चलती है, रात की भी चलती है। लेकिन यह थोड़ा डॉग स्क्वाड ते जिहड़ा साडी हां दूजी टीम हैगी है उन्हां नाल लै के असीं इह चैकिंग करवा। हुण कोई एक्स्ट्रा जिहड़े जवान जिहड़े तैनात कीते गए इस चैकिंग नहीं ऐस सच कोई नहीं, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਪੀਐਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें।